ताज़ातरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची। जिले ही नहीं समूचे प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू कर दी गई है, जिसमें रीवा में रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और जिसमें जरूरी सामग्री जैसे मेडिकल, सब्जी एवं डेयरी खोलने जाने आदेश जारी किया गया था, जिसमें समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ सागर कॉलोनी के पास SP गारमेंट्स द्वारा दुकान खुली होने पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सूचना मिलते ही कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार यतीश शुक्ला ने व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कल भी लगाया तो बोले कल बताएंगे, आज तो फोन ही वो नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई मुझे। हाँ, ये एक मामला हमारे संज्ञान में आया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि SB गारमेंट्स जो है ये बाणसागर कॉलोनी के रास्ते पर खुली हुई थी, वहीं पर आकर के अभी पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। दुकान बंद करा दी गई थी, पूर्व में ही दुकानदार के द्वारा बंद कर दी गई थी। अभी फिलहाल दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए थाने ले जाया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।